वेलकम बैक टू एक्जोम क्लासेस आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल लेट्स बिगन आवर डिस्कशन विद द प्लांट सेल यूजली जो तुम्हारा प्लांट सेल है वो लार्ज होता है साइज में वैन इट इज़ कम्पेयरड विद द एनिमल सेल नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं कि जो तुम्हारा प्लांट सेल है उसके बाहर एक रिजिड सेल वोल प्रेजेंट होगी यानी नॉर्मल जब हम कोई भी सेल बनाते हैं तो क्या देखते हैं कि ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी है ना और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी प्लांट सेल के केस में और इसे हम क्या कहते हैं सेल वोल्ड वो क्या कह सकते हैं फेगोसाइटोसिस में भी टेक पार्ट कर सकते हैं जबकि जो तुम्हारे प्लांट सेल हैं वो फेगोसाइटोसिस का इवेंट या फिर फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस नहीं शो करते हैं क्योंकि उनके बाहर क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसे हम कहते हैं सेल वोल्ड नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं दैट इज द प्लांट सेल डू नोट ब्रस्ट इफ वी प्लेस द प्लांट सेल इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन रीजन वही सेम रहेगा क्योंकि एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी प्लांट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जिसे हम कहते हैं सेल वोल जबकि जो तुम्हारा एनिमल सेल को अगर तुम रख दोगे हाइपो टॉनिक सॉल्यूशन में तो उस केस में क्या है जो तुम्हारा एनिमल सेल ब्रस्ट हो जाएगा अगर उसके पास कॉन्टक्टाइल वैक्यूल नहीं है तो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल क्या होती है एक स्ट्रक्चर होती है जो कि तुम्हारी ओवरऑल ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के काम आती है नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं दैट इज़ प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन केस ऑफ योर प्लांट सेल प्लास्टिड हम जानते हैं तीन टाइप के होते हैं दैट इज क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट अगर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा और सनलाइट अवेलेबल रहेगी वाटर भी अवेलेबल रहेगा तो प्लांट सेल क्या कर सकते हैं एक प्रोसेस शो करते हैं फोटोसिंथेसिस। जबकि ऐसा प्रोसेस हमें देखने को नहीं मिलता एनिमल सेल के अंदर क्योंकि एनिमल सेल्स के केस में क्या होगा प्लास्टिड्स एबसेंट होंगे इन मेजोरिटी ऑफ द एनिमल्स नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं दैट इज़ ए मेच्योर सेल दैट ए मेच्योर प्लाट सेल हैज ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो मेजर जो प्रपोर्शन रहेगा कि जो तुम्हारे प्लान्ट सेल का वो रहेगा लार्ज ऑक्युपाइड रहेगा तुम्हारा सेंट्रल पोर्शन का और इस सेंट्रल पोर्शन सो हम क्या कहते हैं इस ऑर्गनी को हम कहेंगे वैक्यूल और ये वैक्यूल क्या करती है जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसका स्टोरेज करती है प्लांट सेल के केस में लेकिन जो तुम्हारी जो वैक्यूल होती हैं या तो एनिमल सेल के अंदर एबसेंट होंगी अगर वो प्रेजेंट हुई तो काफ़ी वैक्यूल प्रेजेंट होंगी और बहुत छोटी छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगी तुम्हारे एनिमल सेल के केस में नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं दैट इज़ न्यूक्लियस इज पेरिफ्रल अभी हमने देख लिया कि जो मेजर जो सेंट्रल पोर्शन है वो कौन ऑक्यूपाई करती है वैक्यूल करती है इन द केस ऑफ द प्लांट सेल जो तुम्हारा न्यूक्लियस होगा वो क्या रहेगा एलिप्टिकल शेप का होगा और क्या होगा पेरीफ्री पे लोकेटेड होगा दैट इज ऑन द आउटर साइड और क्या रहेगा एलिप्टिकल शेप का रहेगा राइट right? जबकि जो तुम्हारा न्यूक्लियस है वो सेंट्रली लोकेटेड होगा इन केस ऑफ योर एनिमल सेल और यूजली क्या होगा तुम्हारा राउंड शेप का देखने को मिलेगा नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं दैट इज माइटोकोड्रिया आर फ्यूअर इन केस ऑफ प्लांट सेल क्योंकि हमें पता है माइटोकोन्ड्रिया के अंदर प्रोसेस चलता है एक एरोबिक रेस्पिरेशन का और उससे क्या है एनर्जी बनती है जबकि जो तुम्हारे न्यूमरस माइटोकोन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल के अंदर क्योंकि एनिमल सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी क्या होती है ज़्यादा होती है एज कंपेयरजन टू योर प्लांट सेल नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं दैट इज सेंटल आर एबसेंट इन केस ऑफ प्लांट सेल सेंट्रोल क्या होती है ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करती हैं जब सेल डिवाइड करता है तो एनिमल सेल के केस में तुम्हारी सेंट्रोल प्रेजेंट होगी और सेंट्रोल एबसेंट होती है तुम्हारी प्लांट सेल के केस में नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज़ साइटोकाइनेसिस अक्कर बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन अब साइटोकाइनेसिस होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन जब प्लांट सेल डिवाइड करेगा तो नॉर्मली क्या होगा कि जो तुम्हारा सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी इस तरीके से सेंट्रल में और अल्टीमेटली क्या है ये सेल डिवाइड करके दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसे हमने क्या कहा है सेल प्लेट कहा है और ये जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है सेंटर टू पेरिफेरी सेंटर टू पेरिफेरी मूवमेंट होता है और इस तरीके के मूवमेंट को हम कहते हैं सेंट्रेफ्यूगल राइट right? कि जो तुम्हारा कोई भी चीज जब सेंटर से लेके पेरीफ्रे पे जाती है तो उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल जबकि जो तुम्हारे एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होगा वो होगा बाय क्लीवेज फरो फॉर्मेशन और इसे हम कहेंगे सेंट्री पीटल. तो यूजली क्या होगा जब एक एनिमल सेल को डिवाइड करना होगा तो यहाँ पे क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन होगा इस तरीके की और ये फरो धीरे 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 बढ़ती जाएगी और ये अल्टीमेटली क्या है एक सेल को दो सेल में डिवाइड कर देगा तो इस प्रोसेस को जहाँ पे कि तुम्हारा बाहर से इन्वेजिनेशन हो रही है यानी फरों का फॉर्मेशन हो रही है और बाहर से सेंटर तक आएगी तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्री पीटल नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं दैट इज द गोल्गी अपेटस हैज अनकनेक्टेड यूनिट्स विच इज़ नोन एज डिक्टोम्स जो गोल्गी अपैरटस होता है उसके अंदर जो यूनिट्स होती हैं उसकी वो डिसकनेक्टेड होती हैं आपस में प्रॉपर वेल डिफाइन तरीके से कनेक्टेड नहीं है तो गोल्गी अपैरटस को हम डिक्टोसोम्स से नाम से जाने जाता है प्लांट सेल के केस में जबकि जो तुम्हारा एनिमल सेल है उस केस में जो गोल्गी अपैरटस है वो वेल well कनेक्टेड रहता है और एक सिंगल यूनिट मिलके बनाता है कंप्लीट तुम्हारा गोल्गी अपेटस यानी जो उसकी सब यूनिट्स जो हैं वो सारी आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं इन केस ऑफ एनिमल सेल्स जबकि अनकनेक्टेड रहेंगी प्लांट सेल्स के केस में और उन्हें हम क्या कहेंगे डिक्टियोसोम कहेंगे अब रिजर्व फूड मटेरियल इज जनरली स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट जो प्लांट सेल हैं वो अपना रिजर्व फूड मटेरियल यानी तो हमने ये देखा कि जो प्लांट सेल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो करते हैं और क्या है ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं तो जो भी फूड एक्स्ट्रा बचता है तो उसे स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट्स जबकि जो तुम्हारे एनिमल सेल है वो फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट्स लास्ट डिफरेंस की तरफ बढ़ते हैं दैट इज द एडजेसेंट सेल आर कनेक्टेड थ्रू द प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मा डेस्माटा क्या है एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो दो प्लांट सेल को आपस में कनेक्ट करके रखती है जबकि जो तुम्हारे एनिमल सेल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू द सेल जंक्शंस यहाँ पे क्या है सेल जंक्शंस प्रेजेंट होंगे तुम्हारे एनिमल सेल के केस में और ये क्या करेंगे एनिमल सेल्स को कनेक्ट करके रखेंगे दैट इज टाइट जंक्शन गैप जंक्शन एडहरिंग जंक्शन ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के तुम्हारे सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल के केस में जो कि क्या है तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के सेल्स को आपस में कनेक्ट करके रखेंगे इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स थैंक यू सो मच